रात के बज रहा है 3। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ये देखिए प्रॉपर 3 हो रहा है। यहाँ मेरे पति की आंखें पूरी झुली हुई है। मेरा बेटा 10 बजे सो करके 12 बजे उठ गया और तब से लेकर के हमारी जिंदगी सफल हो गई है। अरफान इन्नी आ रही है, आंखें देखो लड़के की, और सर्दी जुकाम तगड़े लेवल पे लगा हुआ बच्चे को मेरे। बस फोन देख लिया हम लोगों ने, दोबारा पेट पूजा कर लिया क्योंकि इतनी जोर की भूख लगी थी कि नमकीन खा रहे हम। बहन इसको सुला दो यार, सुला दो, कोई तो सुला दो, हालत खराब हो रही है हमारी बहुत ज्यादा। सारी दुनिया सोई हुई है, आपको बाहर का नजारा दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा घर, आप लोगों को यकीन करवा रही हूँ मैं कि देखिए रात का टाइम है। ये देखिए लाइट जल रहा है, ताला लगा रखा घर में हमने, पूरी दुनिया सो रही है, लाइट जल रहा है। कहाँ गया ये देखिए, ये हाल है कि पूरी दुनिया सो रही है, सन्नाटा है पूरी गली। क्या हुआ इसको? कौन? अरफान बैठ, मत करो, मत करो, मत करो, तुम बात करने जा रही, बात करने जा रही हो। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, आप देख सकते हो 5 बजे से 10 मिनट बाकी है। हेलो, आलो, आलो बेटा, आलो, आलो, मैं सभी थोड़ी देर पहले रोके उठी हूँ। हेलो, आज को क्या हुआ? नहीं, हेलो, आलो, ओ बाबू, हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है गाइस। अफू सो जाओ बेटा, अफू सो जाओ, सो जाओ प्लीज, सो जाओ ना। अच्छा अच्छा, नहीं सोना, उसको जुकाम है, सर्दी, सर्दी है, उसको क्या हो रहा है, बेचैन कर रहा है, नहीं लगी उसको। आज सुबह के 5 बजे अरफान अब सोया है, अब मैं ऊपर ही सो रही हूँ क्योंकि ऊपर ही अरफान मम्मी के पास ही सोया है। सबकी बैटरी लो गई है, हालत बहुत खराब है गाइस, मिलते हैं अब सुबह। सब हमारी सुबह हो चुकी है, हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है और अभी भी अरफान सो रहा है क्योंकि इसकी अभी सुबह नहीं हुई और बज रहे 2:30। अब इसको उठाने जा रही हूँ मैं अपने पुंदड़ों को, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो उसको उठाते हैं। चाय नाश्ता तो वैसे हम कर चुके हैं तो उठा करके आपसे मिलते हैं। तो गाइस एकदम अचानक मुझे ससुराल जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, तो अभी मैं बता देती हूँ कि हम अपने संगम विहार से बैठ चुके हैं, ओला कर रखे थे तो बहुत अर्जेंट निकल रहे हैं, हमें खुद नहीं पता था क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, बट निकलना ज़रूरी था। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, मेरे को टेंशन भी हो रही है और अरफान के पापा अरफान ये बैठे हुए हैं, अर्जेंट की वजह से ही अरफान को जो दिन में कपड़े पहने तो वही पहन के निकल रहे हैं, तो बस दुआ करना गाइस, है ना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो देखते ही पहुँचेंगे तो बताएंगे आपको, तो अभी तो हम संगम विहार में ही हैं और गाड़ी रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है? कुछ लेने गए, तंबाकू धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, बट ये जनता जनार्दन नहीं जानती है, खैर कोई बात नहीं। तो बस अभी हम हम अपने ससुराल आ गए और आने के बाद जो है हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे वाले घर, जैसे कि एक मेरा ये घर है आपने पूरा देख चुके हैं, उसका क्या नाम है, होम टूर में दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो जा करके आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो, और जिनने नहीं और जो जानते हैं कि मेरा एक नहीं बहुत सारे माशाल्लाह घर है, तो अभी एक घर और बना है जिसका क्या बना है बाबू, दीवार, बाउंड्री, यहाँ पे कोटरा बोलते, क्या बोलते हैं, उसमें एक कमरा बना रखा था, उसको भैंसों का कोठरा बना रखा था भैंसों के लिए, और अभी पूरा उसमें बाउंड्री हो रखा है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मेरा वो वाला घर कैसा है, तो कमेंट में जरूर बताना। मस्जिद है, मस्जिद मतलब उनका अभी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लेंटर डल चुका है, और इनके साइड में हमारा वाला घर है, यानी जिससे अभी हम निकल के आए,
तो यहाँ से तो मस्जिद के अंदर का जो भी होगा वो आपको अरफान के पापा दिखाएंगे, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है ये मस्जिद। तो गाइस ये हमारे ताऊ का घर है, जो दुकान वगैरह उसमें, और ये है अपना एक एक वो चढ़ा दिया इसमें पल्ला और एक उतार कर रख दिया है। ये है पूरा प्लॉट, अभी इसकी चिनाई हुई है रिसेंटली। चलते हैं अंदर की तरफ। दीवार पीछे से भी इतनी ऊंची होगी, पापा ने ईंट मंगाई और ये मशीन खड़ी कर रखी है यहाँ पे। और ये गेट का दूसरा है, ये रहा इसमें अंदर हमारी भैंसें होंगी शायद, शायद क्या है ही। दिखा देता हूँ आपको, ओ माँ ये भैंसें बैठी हैं अंदर, इसलिए रखते हैं, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, अंदर इसलिए रखते हैं ताकि बहुत सारे इधर छोटे 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 इधर बैठे, ये रहा ये अभी अभी भैंस हमारी एक नई ब्याई है, तो उसका छोटा सा बच्चा ये कल परसों में ब्याई है। कौन सी वाली, ये वाली है ना वो, हाँ, हाँ। यही है। तो गाय जिसमें जो है पूरा पिताजी ने जमीन भी ठीक ठाक छोड़ी है रोड के लिए, ऑलरेडी पहले भी छोड़ रखी थी हमने काफ़ी, और भी छोड़ी है ताकि राहगीरों के लिए कोई परेशानी ना हो। ये आ गया अपना प्लॉट, दीवार रह गई है थोड़ी सी तो ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ईंट आ चुके हैं इसके लिए, रात को ही आए हैं मैं और आतिफा, तो आतिफा का भी मन था देखने का, यार देखने चलना है। अब्बू जी ने बाउंड्री की है घर की, तो एक बार चलो चलो चलो, मैं बोला चलो चलते हैं यार लेट्स गो। रात तो अपनी है, ये सामने मेन गेट है इधर अपना, एक मिनट
तो गाइस आज ये चूल्हे पे अपना हाथ ताप लीजिए और सर्दी के मजे लीजिए क्योंकि हम ले गए। तो गाइस अब मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ अपने ससुराल, वो भी बहुत इमरजेंसी में, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वहाँ पे दिखाया था सफदरजंग हॉस्पिटल में, और आपको ये भी बता दिया था कि वहाँ पे जो है ना टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट दे रहे थे, जैसे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, और अल्ट्रासाउंड जो होगा वो आपको 2 महीने बाद होगा, यानी मैं गई थी अभी 4-5 दिन पहले, और अल्ट्रासाउंड का बताया डेट जो दिया है अल्ट्रासाउंड का, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जनवरी 27 तारीख, यानी प्रॉपर 2 महीने, ठीक है। तो 2 महीने तक वेट नहीं कर सकते, चलो कर भी लेते हैं, फिर उसमें जो रिपोर्ट आती है वो भी बहुत लेट आती है, उसका रिपोर्ट आएगी फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, तब तक बहुत मतलब बहुत कम समय 8-9 महीना प्रोसीजर जो है लंबा खिंच जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया कि वहाँ छोड़ करके फिर हमारे जो ससुर यानी हमारे अब्बू जी, उनने ये कह दिया कि आप जो है यहाँ आ जाइए, और एक बार हम यहाँ पे शारदा को दिखा देते हैं, वो जब बोलेंगे जैसा प्रोसीजर बोलेंगे वैसा हम करेंगे। वो बोलते हैं कि अभी हाँ जल्दी हो जाता है, क्या दवाई है कि नहीं वो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पहले जब तक मुझे खुद से पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ है तब तक मैं आप लोगों को डिक्लेयर नहीं करूँगी, पता चल जाएगा तो बता दूँगी, और अल्लाह करे कि कुछ ना हो, ये मेरा वहम हो और ये वहम में ही ख़त्म हो जाए, बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। तो इस कारण मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू जी ने बुला लिया था कि आप लोग आ जाओ, जो भी होगा यहीं इलाज करवाते हैं, तो वही देखते हैं। अभी आज है संडे और मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था, कल सिर्फ आई हूँ मैं, और गाइज मैं एकदम एक ही दिन में जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं उसी दिन अपलोड करती हूँ, मैं ज़्यादा स्टोरेज करके नहीं रख पा रही हूँ इस टाइम, आपको पता है। तो अभी जो भी हो रहा जैसे भी होगा मैं बताऊँगी। कल मंडे को हम लोग जाएंगे, मैं और अरफान के पापा, ये देखिए अरफान के पापा अरफान को लेके घूम रहे, तो आपने मेरा जो पहले वाला जो अभी जो घर बन रहा था, तो आज ना उसकी बाउंड्री में बहुत कुछ लग रहे थे जो भी था, तो अरफान के पापा उसी में ही ज़्यादा व्यस्त थे, तो इस वजह से जो है आज वो बहुत ज़्यादा बिजी, और मेरी और उनकी लड़ाई चल रही क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहे तो ये तो मेरी अभी भी चलती रहेगी। तो कल का जो भी अपडेट होगा मैं आपको कल बताऊँगी, बट दुआ या करना और दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आप लोगों को भी सही सलामत रखे और अल्लाह ताला हमारे परिवार को भी। तो यहाँ पे मैं अभी बर्तन धो के उठी हूँ, अभी देख रहे होंगे पीछे गीला गीला, और वैसे तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं कल आई हूँ, कल से मैंने सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे लेटी हूँ, क्योंकि अरफान को रात को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, बहुत ज़्यादा, पूरी रात वो रोया है। मेरी यहाँ पे माशाल्लाह नंद है, मेरी अम्मी यानी मेरी सास सब कर लेती है, मैं सिर्फ और सिर्फ बैठी, तो अभी मैंने सिर्फ बर्तन धोया और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं आती हूँ, देखो जब से मेरा अरफान हुआ है मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, और आपको पहले भी मैंने बताया था, तो यहाँ आने के बाद तो मेरा वही वाला मायके वाला हाल है, समझ लो एक पैसे मायके, तो यही बात है गाइस कि ससुराल मायके होता है, मायके भी ससुराल, दिल से हर चीज़ मतलब वो करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अम्मी हम यहाँ पे मेरी जो अम्मी यानी सास, उनको मेरी तकलीफ दिख रही है, तो उन्हें कुछ भी नहीं, वैसे वो बोलती भी नहीं है कि तुम ये करो वो करो, तो बस मज़े काट रहे गाइस, मज़े काटने आए। और जो भी अभी देखो, अब मैंने सुबह से अभी तक चेहरे पे पानी भी नहीं डाला, मैं ऐसी ही हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, टेंशन से ना मेरे डेली सर में दर्द हो रहा है, और अभी भी मेरे स्टार्ट हो गया, कल भी सर में दर्द हुआ गोली खाई, आज भी सर में दर्द हो रहा है, टेंशन। तो गाइस बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी प्यार देती रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा हमें आपके मिस्टर मिसेस शेख का, बाय बाय।